हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 हिस्ट्री द रिबेलियन ऑफ 1857। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि द रिबेलियन स्प्रेड्स फर्स्ट कानपुर। रिबेलियन कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में स्प्रेड हुआ। सबसे पहले सिटी कानपुर के अंदर, तो जो रिबेलियन स्प्रेड हुआ कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, अरे इन बिहार। एट कानपुर द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब। कानपुर के अंदर रिवोल्ट को किसने लेड किया, नाना साहेब ने। द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड द लास्ट पेशवा। नाना साहेब एक्सपल्ड द ब्रिटिश फ्रॉम कानपुर विद द हेल्प ऑफ द सिपॉइज एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द पेशवा। नाना साहेब ने ब्रिटिश एक्सपेल्ड कर आउट कर दिया ब्रिटिशर्स को कानपुर से, और जो सिपॉइज थी उनकी हेल्प से, और खुद को क्या प्रोक्लेम कर लिया, पेशवा। एट द सेम टाइम ही एक्नॉलेज बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी हिज गवर्नर। और उन्होंने डिक्लेयर भी कर लिया खुद को गवर्नर के रूप में। ही वॉज असिस्टेड बाई तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला तात्या टोपे रोट अ लेटर ऑन 2 जनवरी 1858 टू द चीफ्स ऑफ बुंदेलखंड ऑन बिहाफ ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब के बिहाफ में तात्या टोपे ने भी लेटर लिखा 2 जनवरी 1858 को, जो चीफ थे बुंदेलखंड के। इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ ऑल द चीफ यूनाइट टुगेदर एंड रेंडर एड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी द रिमेनिंग क्रिश्चियंस विल बाय गॉड्स ब्लेसिंग बी ईजली एक्सपेल्ड। उन्होंने ये भी चीफ को लिखा कि अगर सब यूनाइट हो जाएंगे, एक साथ एबिलिटी दिखाएंगे, तो जो रिमेनिंग क्रिश्चियंस है जो कि गॉड की ब्लेसिंग, उसको भी हम लोग एक्सपेल्ड कर पाएंगे। तो बाई माई मास्टर देयर फॉर रिक्वेस्ट दैट द चीफ विल लूज नो टाइम इन सेंडिंग टू कल्पी एजेंट्स ट्रूप एंड गन्स एज दर मीन्स मे परमिट दैम। और उन्होंने ये भी लिखा कि माई मास्टर, अगर आप रिक्वेस्ट करें, चीफ लूज नहीं करेंगे किसी भी समय, और वो कल्पी एजेंट्स ट्रूप्स और गन्स को किसी भी मीन से परमिट, बिना मतलब अगर वो परमिशन दे तो वो उसको परमिट कर देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली द रिवोल्ट वॉज टर्निश्ड बाय द डिसाइडफुल एक्ट ऑफ नाना साहेब सोल्जर्स। और जो रिवोल्ट है वो पूरी तरीके से टर्निश्ड हो गया नाना साहेब के सोल्जर्स के द्वारा। एंड ही हैड प्रोमिस्ड द ब्रिटिश सेफ पैसेज इन 40 बोट्स फ्रॉम द गेट टू अलाहाबाद। और उन्होंने प्रॉमिस करा ब्रिटिशर्स को कि वो सेफ पैसेज से उनको ले जाएंगे। 40 बोट्स तैयार की गई अलाहाबाद के गेट की तरफ। व्हेन द बोट्स वर अबाउट टू लीव, जैसे ही बोट्स को वहाँ से लीव होना था, द सिपॉयज फायर्ड एट देम किलिंग मैनी इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। सिपॉयज ने स्टार्ट कर दिया फायर, और उससे क्या हुआ, बहुत सारे वुमेन और चिल्ड्रन किल्ड हो गए। ओनली 4 ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बोट एस्केप टू टेल दिस ट्रेजिक स्टोरी। सिर्फ 4 लोग बचे थे जिन्होंने ये स्टोरी बताई थी। वन सर्वाइवर थॉमसन सेड दैट द इंग्लिश हैड फर्स्ट फायर्ड एट द बोटमैन दैट प्रोवेड देम। उसने बताया कि किस तरीके से उसने फायर किया था बोटमैन की तरफ। द लंडन टाइम्स ऑफ 31 अगस्त 1857 पेंटेड नाना साहेब एज द विलियन ऑफ द रिवोल्ट। और लंदन के टाइम्स में ये बता दिया गया, उसमें लिख दिया गया कि नाना साहब को विलन माना गया पूरे रिवोल्ट का। तो ब्रिटिश ने रीशिएटेड विद टेरिबल एक्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज ऑन इंडियंस सून इनफ। और इस तरीके से ब्रिटिश ने ह्यूमिलेट किया इंडियंस को। तो अ लेटर रिटन बाय मिसेस लार्किन्स वाइफ ऑफ द कमांडर ऑफ द आर्टिलरी डिवीजन स्मगल्ड आउट ऑफ कानपुर बिफोर हर डेथ गिव्स एन आइडिया अबाउट द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज इन द बैराक्स ऑफ कानपुर। और एक लेटर भी लिखा गया मिसेस लार्किन ने, जो वाइफ थी कमांडर की, उन्होंने पूरी बताई कि किस तरीके से फ्लाइट पूरी रिफ्यूजीज की लिखी और बैराक्स जो कानपुर में हुआ उस सब के बारे में। शी सेज वी आर हेम्ड इन बाय ओवर पावरिंग नंबर्स दैट दे सीम्स नो होप ऑफ एस्केप। हमें कोई एस्केप का होप नज़र ही नहीं आ रहा था। तो द बैटल कंटिन्यूड टिल मिड 1858। बैटल चलता रहा 1858 से। एंड सीइंग द ब्रिटिश विक्टोरियस नाना साहेब अजीमुल्ला खान एंड तात्या टोपे एस्केप्ड। और ब्रिटिशर्स की जीत हो रही थी तो नाना साहेब को भी, अजीमुल्ला खान को भी, तात्या टोपे, सबको एस्केप्ड कर लिया गया। नाना साहेब एंड अजीमुल्ला खान वर नेवर सीन अगेन। उसके बाद वो कभी दिखे ही नहीं। बट तात्या टोपे वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1859 एंड हैंग। बट तात्या टोपे को तो अरेस्ट कर लिया गया था अप्रैल 1859 में, और उनको हैंग भी कर दिया गया था। नाउ कम्स लखनऊ, दैट इज अवध। अवध विथ इट्स कैपिटल एट लखनऊ बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ द रिवोल्ट फॉर मोर देन 8 मंथ्स। 8 महीनों से ज़्यादा ये जो था लखनऊ का एरिया, ये क्या बना हुआ था, एक तरीके से फोकल पॉइंट बना हुआ था रिवोल्ट के अंदर। अवध हैड बीन एग्जिस्ट बाय दाल हाउसी अर्लियर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन, पहले दाल हाउसी ने इसको पूरा कैप्चर कर रखा था, उसका खुद के एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज यहाँ पर चलती थी। दिस एंगर द 75,000 सिपॉयज हु केम फ्रॉम अवध एंड क्रिएटेड एन एटमोसफेयर ऑफ रिबेलियन। और माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बहुत एंगर था लोगों के अंदर। 75,000 सिपॉयज जो है वो भी अवध आ गए थे और उनको उन्होंने भी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया था रिबेलियन के लिए। तो ब्रिटिशर्स हैड टेकन ओवर द लैंडेड स्टेट्स ऑफ 21,000 तालुकदार्स। ब्रिटिशर्स ने भी क्या कर लिया था, जो लैंडेड स्टेट्स थी 21,000 तालुकदार से वो ले ली थी। एंड द एंड ऑफ नवाब्स रूल देयर वर एंड द एंड ऑफ नवाब्स रूल थ्रू मैनी पीपल आउट ऑफ जॉब। और नवाब्स के रूल का जैसे ही एंड हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स भी खो दी थी। रॉयल फैमिली वॉज रिड्यूस्ड टू पॉवर्टी। जितनी भी रॉयल फैमिली थी वो सब गरीबी की स्थिति में आ गई थी। एंड इट्स ज्वेलरी ऑक्शन ऑफ, और ज्वेलरी भी सारी ऑक्शन के लिए लगा दी गई थी। तो ब्रिटिशर्स हैड एग्जाइल द रूलर्स नवाब वाजिद अली शाह अनसीरिमोनियसली टू कैलकटा इन 1856। और ब्रिटिशर्स ने एग्जाइल कर दिया था जितने भी रूलर्स थे, उसमें नवाब वाजिद अली शाह जो थे वो कलकत्ता आ गए थे 1856 में। वेन न्यूज़ ऑफ द मेरठ एंड दिल्ली मिटनी रीच अवध, द फर्स्ट साइन ऑफ रिबेलियन केम फ्रॉम सीतापुर इन जून एंड दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट। और सबसे पहला रिबेलियन जो स्टार्ट हुआ था वो सीतापुर से स्टार्ट हुआ और वो सब जगह स्टार्ट होता होता बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गया। ऑन जून 30 ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर फॉट अ डिसाइसिव बैटल एट चिंचट 90 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ। और 30 जून को ब्रिटिशर्स ने और इंडियन सोल्जर्स ने आपस में लड़ाई लड़ी बैटल एट चिंचट में, 90 किलोमीटर अवे था ये लखनऊ से, विच द फ्रीडम फाइटर्स वॉन, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स की जीत हुई। सर हेनरी लॉरेंस वॉज बैडली इंजर्ड इन द बैटल एंड डाइड ऑन जून 4। जो सर हेनरी लॉरेंस थे उस समय वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुए और इसके साथ वो डाइड हो गए जून 4 में। द रिबेलियन इन अवध वॉज मेनली लेड बाय वाजिद अली शाह वाइफ बेगम हजरत महल। और जो रिबेलियन था अवध में वो किसने लेड किया, फिर वाजिद अली शाह की जो वाइफ थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, विद द हेल्प ऑफ नाना साहेब बिरजीज कदर द सन ऑफ द नवाब वॉज प्रोक्लेम द न्यू नवाब। इसको नया नवाब बना दिया गया था, हेल्ड बाय द सिपॉयज एट लखनऊ एंड बाय द जमींदार्स एंड पीसेंट्स ऑफ अवध। द बेगम ऑर्गेनाइज एन अटैक ऑन द ब्रिटिश। बेगम ने पूरा प्लान तैयार कर लिया था और अटैक करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स पे। द ब्रिटिश फोर्सेज वुमेन एंड चिल्ड्रन वर फोर्स टू टेक शेल्टर इन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग। और ब्रिटिश फोर्सेज को वुमेन्स को चिल्ड्रंस को फोर्स करा गया कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करें, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जाए। तो देन बिगेन द साइज ऑफ रेसिडेंसी बाय द सिपॉयज फॉर 8 months। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग सीज मैनी चिल्ड्रन डाइड ऑफ कॉलरा। और इस समय बहुत सारे चिल्ड्रंस की डेथ हो गई ड्यू टू कॉलरा। एंड द वुमेन टेंटेड टू बी सिक एंड मेंटेन राशंस। और वुमेन भी बहुत ज़्यादा सिक क्योंकि बीमार हो गई थी और उनको भी राशन मेंटेन करके रखना पड़ रहा था। बहुत 8 महीने से वो लोग उसी जगह बंद थे। तो द सिपॉयज वर इंस्पायर्ड बाय द बेगम एंड मौलवी अहमदुल्ला। जो सिपॉयज थे वो भी इंस्पायर्ड हुए बेगम से और मौलवी अहमदुल्ला से। हाउएवर द ब्रिटिश हेल्ड आउट इवन दो अ फ्यू वर किल्ड बाय बुलेट्स। ब्रिटिशर्स और हेल्ड आउट भी हुए और इवन फ्यू लोग किल्ड भी हो गए बुलेट्स से और सिकनेस के कारण। द फेट ऑफ द रिवोल्ट वॉज डिसाइडेड बाय द फेलियर ऑफ द सिपॉयज हियर। और जो फेट था रिवोल्ट का वो क्या कहा गया कि फेलियर किस वजह से हुआ, सिपॉयज की वजह से हुआ। थ्रू आउट नंबरिंग देम बाय 1 lakh दे फेल टू डिसलॉज द ब्रिटिश। इतने सारे नंबर में होने के बाद भी वो लोग नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स को डिसलॉज। तो जो ब्रिटिशर्स थे टुक बैक अवध इन मार्च 1858। उन्होंने वापस से ले लिया अवध 1858 के अंदर। फॉलोइंग द सीज ऑफ लखनऊ बेगम हजरत महल एस्केप्ड विद हर सन ब्रिजिश कदर टू नेपाल एंड डाइड देयर इन 1879। और ये तो बच के निकल गई थी और ये नेपाल चली गई और इसके बाद इनकी डेथ हो गई थी 1879 के अंदर। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।